आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पूरन सिंह है, मैं यूपी में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, अनूपसर के किनारे, और करीब 67 से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप डीडीए में थे तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि एक सामुदायिक भवन, एक अंबेडकर भवन या एक बुद्ध विहार के लिए विकासपुरी जैसी आलीशान जगह में दिल्ली में एक जगह समाज के लिए होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए? जब हम विकासपुरी में रहते थे तो हमारी भंते ज्ञानरतन माथेरा जी से मुलाकात हुई, मास्टर बाबूराम जी के साथ। तो मास्टर बाबूराम जी से मिलने के बाद में हमने सोचा कि यहाँ पर जो हम करौलबाग में रहते थे पहले, इससे पहले तो करौलबाग में हम करौलबाग जनजागृति परिषद के नाम से वहाँ पर बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम करते थे। यहाँ भी हमने शुरू किया, मैंने कहा करके लोग कहने लगे यहाँ भी करिए। तो आपको भंते ज्ञानरत्न महाथेरा जी से प्रेरणा मिली? प्रेरणा मतलब उनके दर्शन हुए, प्रेरणा तो हमने आपस में बातचीत करके पैदा की। क्या परेशानी आई शुरू में जो संगठन, जो आपने ये अंबेडकर समाज कल्याण संगठन बनाया, उसमें क्या दिक्कत महसूस हुई? उसमें कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई। सबसे पहले हमने मीटिंग की तो 7 आदमी थे उसके अंदर, उसके बाद फिर 7 से और दूसरों को वो जानते थे तो करीब 32-33 आदमी की मीटिंग हुई। डोर टू डोर, हर घर जाते थे आप? जी हाँ, हम लोग दो दो तीन तीन ग्रुप बना करके हर घर घर जा करके मेंबर्स बनाए। आपने यहाँ लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाला कि कौन कौन आपके समुदाय के समाज के अंबेडकर राइट हैं? जी हाँ जी हाँ, सभी स्टेटों से, चाहे पंजाब से, चाहे हरियाणा से, चाहे हिमाचल से। हाँ बिल्कुल, जो भी यहाँ विकासपुरी में रहते थे उन सब से हमने, सभी लोगों ने आपको सहयोग किया? सब लोगों ने सहयोग किया। फिर ये जमीन आपने परचेज कर ली? जी हाँ, फिर हमने सोचा कि अब बिना जमीन के तो काम बनेगा नहीं, तो जमीन हमें चाहिए। तो आपने जब बुद्ध विहार बनाया तो बुद्ध विहार बनाने का सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल या आपकी कमेटी के ख्याल कैसे आया? हमने कहा हम बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं तो यहाँ पर एक बुद्ध विहार तो बनना ही चाहिए। तो बुद्ध विहार बनाने के बाद में आपने इसका उद्घाटन डॉक्टर महाथेरा जी से कराया? जी जी। उसके बाद में आपने भगवान बुद्ध से क्या सबसे अच्छा सीखा और क्या आपको लगा कि धम्म की क्या खास बात है? देखिए, भगवान बुद्ध के बताए हुए अगर हम रास्ते पर चलें तो वो रास्ता सबसे बढ़िया रास्ता है। आप विपश्यना करते हैं? जी हाँ। कितने कोर्स आपने किए हैं? मैंने 30-32 कोर्स कर रखे हैं। आपने 10 दिन के अलावा कौन कौन से कोर्स किए हैं? 10 दिन के अलावा मैंने 4-30 दिन के कर रखे हैं, 1-15 दिन का भी कर रखा है, 4-45 दिन के कर रखे हैं। आप योगा भी सिखाते हैं पार्क में सुबह को? जी हाँ जी हाँ, मैं योगा। तो आपको योगा और विपश्यना में जो कॉम्बिनेशन है उससे लोगों को कितना फायदा आपने दिया अब तक? योगा तो शरीर को सही रखने के लिए है, फिजिकल एक्सरसाइज है और प्राणायाम वगैरह, जो मतलब योगा जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज, वो स्थूल, वो शारीरिक सही वो है, स्थूल शरीर के लिए है, और प्राणायाम जो है वो सूक्ष्म शरीर को शुद्ध रखने के लिए। विपश्यना अपने सारे विचारों को शुद्ध रखने के लिए। तो आप शरीर को और विचार को दोनों तरह से शुद्ध रखने का काम करते हैं? जी। तो अभी जो आप ये बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हम लोगों ने यहाँ विकासपुरी में डीडीए से 400 स्क्वायर मीटर लैंड, 2000 कितने साल हो गए आपको ये क्या बोलते हैं संस्था बनाए हुए? 89 से हमारी ये संस्था चल रही है। अच्छा, 89 से लगातार आप इसमें काम कर रहे हैं? 1988 साल जी। आपकी संस्था सबसे अच्छी दिल्ली में मानी जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम लोग सब लोगों के अंदर एकता है, किसी के अंदर कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है। हम सब लोगों ने मिल करके बहुत ही मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, लैंड परचेज की, उसके बाद में फिर हमने फिर पैसा इकट्ठा किया और हमने सोचा कि यहाँ पर एक बढ़िया सा बुद्ध विहार बनना चाहिए। आपको अच्छा महसूस होता है कि आपने एक बहुत बढ़िया काम किया है जो समाज के लिए करना चाहिए? जी हाँ, हम तो ये सोचते हैं और सोचते क्या सुनते भी हैं कि हमारे दिल्ली में जो है इस बुद्ध विहार की बहुत प्रशंसा हो रही है, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में सभी लोग, मेरी तरफ से नहीं, सभी लोगों की तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक एंटीक पीस है, इस प्रकार का भाव है। और जो संस्थाएं हैं और जो संगठन हैं उनको सफलता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा मंत्र देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोग, जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी बुद्ध विहार हैं वहाँ पर जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, वो सब मिल करके एक रूप होकर के उसको चलाएं और लालच पैदा ना हो किसी के अंदर।
आपके बुद्ध विहार में विपश्यना कब से आरंभ हो रही है? बुद्ध विहार में विपश्यना जब स्टार्ट होगी, जब ये हमारे जो वॉशरूम और टॉयलेट वगैरह तैयार हो जाएंगे। चलिए, इस साल उम्मीद है? कह नहीं सकते, 2020 तक हो जाएगा। हाँ, 2020 तक तो हो ही जाएगा। चलिए, साधु 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 साधु।